अगर आप सोच रहे हैं कि जो भी व्हाट्सएप के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो सेफ़ है, सिक्योर है, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आजकल ऐसा स्कैम चल रहा है जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने कब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लें और आपको ही विक्टिम बना के छोड़ दें। जी हाँ, अभी एक्सपर्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी वो क्लियर वार्निंग दे रहे हैं जितने भी व्हाट्सएप यूज़र्स हैं उनको अबाउट अ न्यू स्कैम जो कि अफेक्ट कर रहा है उनकी प्लेटफॉर्म की ग्रुप चैट्स को। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इस एप्लीकेशन की पॉपुलैरिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड अगर हम व्हाट्सएप एक्सेस करने वाली यूज़र्स की बात करें ना, तो वो है 2.78 बिलियन पीपल। जी हाँ, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, राइट, और विक्टिम को हार्म पहुंचाते हैं या उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करके उसी की हम कह सकते हैं उसी की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। इस एक्शन फ्रॉड के अकॉर्डिंग जो भी ब्रिटिश सेंटर है उन्होंने साइबर क्राइम के अगेंस्ट में ये कहा है कि अप्रोक्स इस साल 630 केसेस इस स्कैम से रिलेटेड फाइल हुए हैं। इसमें होता क्या है, जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़े हुए हो तो आपको व्हाट्सएप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे या वैसे ऑडियो कॉल करेंगे, और फिर आप और जो विक्टिम है उसको वो डिसीव करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो आपको कॉल करेंगे वो कोई और, उसी ग्रुप का कोई और मेंबर बन के, तो आपको भी ये लगेगा कि ठीक है हाँ मैं इस ग्रुप में एडेड हूँ, तो हो सकता है उस ग्रुप के मेंबर ये भी हो। आप उस केस में उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हो और जितना आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूरा अपने फाइल में या जो भी उनके पास डेटा है उसमें वो रजिस्टर करते रहते हैं, राइट, और वो अपनी डिवाइस में सारी चीज़ें स्टोर करते रहते हैं और आपके अकाउंट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक टू वे जो वेरिफिकेशन होता है व्हाट्सएप का वो कर लेते हैं, प्लस आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस भी कर लेते हैं। एक बार वो साइबर क्रिमिनल्स आपके पूरे व्हाट्सएप अकाउंट को अगर एक्सेस कर लेते हैं तो वो एक्टिवेट कर देते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन को भी, और वो काम आता है टू ब्लॉक एनी अटेम्प्ट बाय द लेजिटिमेट यूज़र टू रिकवर देयर अकाउंट। अब इससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं आपके ही फ्रेंड या फैमिली मेंबर को, और उनसे कुछ अर्जेंट पैसों के लिए बोलते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को कोई और मेंबर, आपके ग्रुप का कोई और मेंबर बन के आपके व्हाट्सएप अकाउंट को उन्होंने हैक कर लिया, और अब आपके अकाउंट को एक्सेस करके वो आपके ही फैमिली मेंबर या रिलेटिव को मैसेज करेंगे एज इफ द पर्सन इज़ यू टू डिमांड मनी और समथिंग एल्स आउट ऑफ देम, राइट। अब जो गैरी माइल्स हैं हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल फ्रॉड इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ लंडन पुलिस, वो अर्ज करता है जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स को टू प्लीज़ स्टे अलर्ट। इस चीज़ से हमें अलर्ट रहना है, स्पेसिफिकली किसी भी व्हाट्सएप या लार्जर जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें अटैच होने से पहले। इसके अलावा जो व्हाट्सएप स्पोक्स पर्सन है वो इस चीज़ पे भी एम्फसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इनेबलिंग 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और रिकमेंड करते हैं कि कभी भी किसी के साथ भी जो 6 डिजिट आपका पिन कोड है वो शेयर ना करें, नॉट इवन विद योर क्लोज एक्वेंटेंसेस। फर्दर मोर वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई डाउट हो तो यूजर शुड कॉन्टैक्ट द पर्सन थ्रू अ कॉल और वॉइस नॉट टू कन्फर्म देयर आइडेंटिटी, राइट। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं सिर्फ न्यूज़पेपर क्लिपिंग या फिर सोशल मीडिया पे मैंने कोई आर्टिकल देख लिया इसलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। दिस वाज एक्चुअली डन विद मी, ये मेरे साथ भी हुआ था फ्यू डेज बैक। मैं किसी अपने रिलेटिव से बात कर रही थी तो उस टाइम पे मतलब व्हाट्सएप चैट चल रही थी हमारी, ऑल ऑफ सडन वो जो पर्सन है उनको अजीब से मैसेजेस आने लग गए, तो वो लैंग्वेज जो थी मैसेजेस की समवेयर ही गॉट टू नो कि वो मैसेजेस मेरे नहीं हो सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे कॉल किया जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि भाई ये तुमने क्या मैसेज भेजे हैं, मैसेजेस का मतलब क्या है। देन आई सेड कि मैंने कोई मैसेज नहीं भेजे हैं, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट भेजा एंड दैट वॉज एग्जैक्टली आई वॉज लिटरली शॉक्ड एट दैट टाइम, क्योंकि वो मैसेजेस मैंने भेजे ही नहीं थे। मेरा फोन है उसमें वो मैसेजेस सेंड है ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे फोन के थ्रू ऐसे ऐसे मैसेजेस जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद में, थोड़े ही सेकंड्स बाद में, जो पर्सन था जो हैकर था उसने क्या किया, उनको डिमांड करना शुरू किया कि मुझे 25,000 अभी भेजो, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। देन ही अगेन कॉल्ड मी कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। देन आई सेड मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है।
तो ही आस्क मी टू जस्ट डिलीट और डीएक्टिवेट माई व्हाट्सएप अकाउंट बिकॉज इट वॉज हैक्ड. तो इस तरीके से वो हैक हुआ था, मेरा खुद का अकाउंट हैक हुआ था, और इस तरीके की से मेरे खुद के रिलेटिव्स के यहाँ पे मैसेजेस गए थे, एक नहीं दो दो के पास मैसेजेस गए थे फॉर मनी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए. वो तो उनकी अवेयरनेस थी, वो अलर्ट थे, दैट्स वाई ही कॉल मी बैक. उन्होंने मुझसे कन्फर्म किया कि क्या तुमने ऐसा मैसेज भेजा था या नहीं. देन आई लेट देम नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है. इंस्टेंटली आई डिलीटेड माई अकाउंट और फिर मैंने उसको दोबारा से रीइंस्टॉल करके एक्टिवेट किया था. तो इस तरीके की अवेयरनेस या अलर्ट रहने की ज़रूरत हम सबको है. और एटलीस्ट जिस तरीके से मैंने अभी वीडियो में बताया था कि आपको किसी भी लार्जर ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, जितना कम हो सके उतना व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करें. एंड स्टे जितना भी ये सोशल मीडिया जितने हमें ल्योर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे स्कैमिंग उतनी ही ज़्यादा चलती है. और स्पेसिफिकली जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उन पर तो स्कैमिंग का ज़्यादा खतरा रहता है. तो स्टे अलर्ट,